इन दिस मॉड्यूल डिस्कस ट्रामेटिक को समझने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि टेराटोलॉजी क्या है बेसिकली टेराटोलॉजी के अंदर हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर डिफरेंट जो फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज या फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज आती हैं उनकी स्टडी करते हैं तो टेराटोलॉजी फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज की स्टडी है जबकि टेराटोजन क्या है टेराटोजन ऐसे एजेंट्स ऐसे केमिकल्स जो के एबनॉर्मल डेवलपमेंट का सबब बनते हैं उनको टेराटोजन कहते हैं फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मर्करी हो सकती है इसके अंदर अल्कोहल हो सकती है इसके अंदर लेड हो सकता है और इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं जो कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट का सबब बनते हैं एबनॉर्मल फिजिकल करेक्टर्स पैदा करते हैं और के अंदर यह जानने के लिए कि क्या एक जो केमिकल है वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर फिजिकल एबनॉर्मलिटी पैदा करता है या नहीं तो उसकी लैब के अंदर टेस्टिंग की जाती है फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि मर्करी जो है फिजिकल एबनॉर्मलिटी का सबब बनती है तो इस चीज को चेक करने के लिए कि वाकई जो मर्करी है ये फिजिकल एबनॉर्मलिटी का सबब बनती है हम मरकरी को एनिमल्स के ऊपर उसका ट्रायल करते हैं हम लैब के अंदर जो हमारे मॉडल एनिमल्स हैं उनको मरकरी की डिफरेंट कंसनट्रेशन के ऊपर फीड करवाते हैं और फिर हम ये चेक करते हैं कि क्या इस मरकरी की वजह से उनकी जो बॉडी है उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आई है या नहीं और इसके साथ साथ हम ये भी चेक करते हैं कि ये जो एबनॉर्मलिटी है इसकी वजह से क्या जो मॉडल ऑर्गेनिज्म है उसके जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उसके ऊपर कितना फ़र्क पड़ा है फॉर एग्ज़ाम्पल उसके किडनी के ऊपर कितना फ़र्क पड़ा उसके लिवर के ऊपर कितना फ़र्क पड़ा उसकी स्प्लीन के ऊपर कितना फ़र्क पड़ा तो ये हम लैब एक्सपेरिमेंट की मदद से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई केमिकल किसी एनिमल की बॉडी के अंदर फिजिकल एबनॉर्मलिटी प्रोड्यूस करता है या नहीं करता अब समाइम जो एबनॉर्मलिटी होती है क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्टेज से होते हुए अडल्ट तक पहुंचते हैं फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स के अंदर मेटामोरफोसिस होती है तो अगर जो एबनॉर्मलिटी है या जो इंजरी है ऑर्गेनिज्म के अंदर वो अर्ली स्टेजेस के ऊपर मौजूद है और इस अर्ली स्टेज के ऊपर जो एबनॉर्मलिटी या जो इंजरी हुई है उसकी वजह से जब वो अडल्ट बनता है तो वो एबनॉर्मलिटी कैरी करता है तो उसकी मदद से उसके अंदर एबनॉर्मल क्रैक्टर्स पैदा हो सकते हैं और ये जो एबनॉर्मल क्रैक्टर्स हैं ये नॉर्मल जो ऑर्गेनिज्म है उनसे डिफरेंट होते हैं तो समाइम मिस्टेकनली इस एबनॉर्मल क्रैक्टर की वजह से जो ऑर्गेनिज्म है उनको डिफरेंट स्पीशीज के अंदर रख लिया जाता है लेकिन बेसिकली ये डिफरेंट स्पीशीज नहीं होते ये एबनॉर्मलिटी की वजह से ऐसा हुआ और अब ये बात बहुत अहम है कि जो इंजरी है या जो एबनॉर्मेलिटी हुई वो कौन से करेक्टर्स के अंदर हुई क्या ये उस एनिमल के अंदर ऐसे करेक्टर्स के अंदर एबनॉर्मलिटी है जो टेक्सोनिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या फिर ऐसे करेक्टर्स के अंदर एबनॉर्मेलिटी आई जो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम पहले ही ये डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे करेक्टर्स जो कि लो वेटेज करेक्टर्स होते हैं उसकी टेक्सोनोमी के अंदर इंपॉर्टेंस नहीं होती तो अगर एबनॉर्मेलिटी हाई वेटेज करेक्टर्स के अंदर है तो डेफिनेटली ये उस एनिमल की जो क्लासिफिकेशन है उसको फेक्ट करेगी फॉर एग्जाम्पल अगर हम विंग्स का जो पैटर्न है उसको एज ए हाई वेटेज करेक्टर ले रहे हैं और ये एबनॉर्मलिटी उस विंग पैटर्न के अंदर आ रही है तो डेफिनेटली ये ऑर्गेनिज्म की जो टेक्सोनोमी है उसको एफेक्ट करेगी इसी तरीके से हम ऑर्गेनिज्म का जो जेनिटेलिया है उसको एक हाई वेटेज करेक्टर कंसिडर करते हैं अगर एबनॉर्मलिटी इस करेक्टर के अंदर है तो उससे ऑर्गजम्स की टेक्सोनोमी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा